रेडियो पाकिस्तान सुबह पाकिस्तान के सिलसिले मिटते नकूश में फीचर सुनिए मौसमी त्यौहार, पेशकश रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ये कायनात तख्लीक फरमाई और फिर मौसमों के तगैर व तबदुल से इसके हुस्न को दोबाला कर दिया। बहार, खिजां, गर्मी, सर्दी और बरसात के मौसम अपने तमाम तर रंगों, खुशबुओं और रानाइयों के साथ जलवागर होते हैं और यकसानियत से जल्द उगता जाने वाले इंसान के लिए दिलचस्पी के मुतनव्वे सामान मुहैया करते हैं। इन मौसमों के इंसानी मिजाज पर भी गहरे असरात मुरतब होते हैं। इसके साथ साथ इसके रहन सहन, खाने पीने के अलावा दीगर मामूलात हयात में भी तब्दीली आ जाती है और यही तनव्वो कायनात को खूबसूरत और पुरकशिश बनाता है। ये तो एक मानी हुई हकीकत है कि मौसम का इंसान से गहरा अजली ताल्लुक रहा है, इसलिए इंसान हर मौसम का इस्तकबाल मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए करता आया है। बरेसगीर में देसी कैलेंडर की बुनियाद इन्हीं मौसमों पर रखी गई। इस देसी कैलेंडर का आगाज चेत या बहार से होता है और बहार साल का सबसे खूबसूरत और दिलकश महीना होता है। मौसम में फूल खिलते हैं, हर तरफ सब्जा ही सब्जा और खुशबुएं होती हैं। ठंडी ठंडी हवाएं रूह तक को मुअत्तर और फरहाओशाद कर देती हैं। फूल जहां खिलते हैं, नैन जहां मिलते हैं, आओ वहां 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 चले आओ वहां वहां चले आओ। बहार के मौसम के इस्तकबाल के लिए हमारे यहाँ कई त्यौहार मनाए जाते हैं जिनमें बसंत एक मकबूल तरीन त्यौहार था। घर घर बसंत खुशियों के रंग लेकर आई दे, आई दे। घर घर बसंत खुशियों के रंग लेकर आई दे। रंग बिरंगी पतंगे आसमान पर अजब बहार दिखाती तो पतंग उड़ाने और ये दिलकश नज़ारा देखने वाले तरह तरह के पकवान पकाते, दावतें उड़ाई जाती और खूब हल्ला गुल्ला किया जाता था। मगर फिर धाती तार के इस्तेमाल के मुहलिक असरात से मजबूरन हुकूमत को पतंगबाजी पर पाबंदी लगाना पड़ी और यूं ये त्यौहार भी मिटता चला गया। इसी तरह इस मौसम में जश्न बहारा के नाम से सकाफती शोज, महाफिल मौसीकी और दीगर तकरीबात का एहतमाम भी किया जाता था। चेत के बाद बैसाख का महीना भी बरसगीर के ज़रई समाज के लिए अहम तरीन महीना है कि इस मौसम में गंदम की फसल पकने के करीब होती है, फिर इसकी कटाई का आगाज होना होता है। वाले आ गए मौसम कणकेंदा, आज पहला कर्ज अदा करने। 13 अप्रैल को बैसाख का आगाज होते ही मेलों ठेलों का सिलसिला शुरू हो जाता है।
किसान अपने काम काज से फारिग हो चुके होते हैं और गंदम की फसल की बर्दाश्त से साल भर के दाने और नकद रकम मिलने की उम्मीद भी होती थी, इसलिए वो इस फारिग वक्त को मिलजुल कर खुशियाँ मनाने में सर्फ करते थे। मगर लोगों की मसरूफियत और टेक्नोलॉजी के फैलाव ने मेलों ठेलों की इस शानदार सकाफती समाजी और मुआशी सरगर्मी को भी निगल लिया और यूं ये त्यौहार भी मिटते चले गए। अब बैसाख के मेले मुनक्किद तो होते हैं मगर इतनी एहतियाती तदाबीर और पाबंदियां होती हैं कि वो पहले जैसी रौनक और गहमा गहमी नहीं रही। गंदम की कटाई के बाद गहाई का मरहला आता तो फिर एक त्यौहार का सा समा होता। तमाम अहले इलाका मिलकर किसी एक किसान दोस्त की फसल की गहाई का फरीजा सर अंजाम देते, जिसे मकामी जबान में विंगार कहा जाता था। बैलों से कई कई दिन तक गहाई होती रहती। इस दौरान ढोल की थाप पर रक्स होते और बैलों और किसानों की हल्लाशेरी की जाती और हलवा रोटी या गोश्त रोटी से मेहमानों की तवाजो की जाती। ये त्यौहार पूरे जोश खरोश से डेढ़ दो महीने जारी रहता, हत्ता कि तमाम किसानों की गंदम की गहाई का अमल मुकम्मल हो जाता। गहाई के बाद गंदम के दाने अलग और भूसा अलग कर लिया जाता। दानों की ढेरी लगाकर बच्चों और गरीब गुरबा को झोली भरकर शय के दाने दिए जाते। इसके बाद इसकी सांभ संभाल या फरोख्त का मरहला आता। मगर अब जबकि थ्रेशर और हार्वेस्टर आ चुके हैं, ये त्यौहार और सकाफती सरगर्मी भी मादूम होते होते ख़त्म हो गई है। इसी तरह बरसात का मौसम भी पानी की बूंद बूंद को तरसते इंसानों, जानवरों, परिंदों और नबतात के लिए खुशियों की नवीद लाता था। सावन की रुत आई सखी रे, सावन की रुत आई, सावन की रुत आई सखी रे, सावन की रुत आई, सावन की रुत आई, रुत आई सखी रे, सावन की रुत आई सखी रे, सावन की रुत आई। और जब सावन के महीने में बारिश बरसती तो पजमुर्दा चेहरों पर रौनक आ जाती थी। बारिश की चल बूंदे दिल को डुबोए जाए, किसी के आने की खुशी मेरे दिल को डुबोए जाए, आने मेरा तू देर कर, आने मेरा तू देर कर, मेरी जान निकल आ जाए। बारिश की चल बूंदे दिल को डुबोए, लोग आमों और खजूरों के टोकरे और दीगर पकवान लेकर नहरों या दरियाओं के किनारों पर इकट्ठे होते और सावन मनाते थे। इलाकाई रक्स और मौसीकी से निढाल माहौल में फिर से रौनकें लौट आती थीं। मगर तेज़ रफ्तार जिंदगी ने सारे फुर्सत के लम्हात छीन लिए और रफ्ता रफ्ता ये मिल बैठना और खुशियाँ मनाना ऐसी सरगर्मियाँ भी मांद पड़ती चली गईं। पाकिस्तान में सर्दियों का दौरानिया बहुत कम होता है मगर इस मौसम का अपना ही एक अलग रंग है। सर्दियों में लोगों के पहनावे, रहन सहन और खाने पीने के अंदाज बदल जाते हैं। लंबी रातों में मिल बैठना, मूंगफली और दीगर खुश्क मेवाजात के साथ चाय के दौर चलते हैं और लोग देर तक रजाइयों, कंबलों और लिहाफों में लिपटे गपशप करते रहते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी की तेज़ रफ्तार तरक्की ने जहां इंसानों को बहुत कुछ दिया है, वहां उनसे फुर्सत के लम्हात छीन लिए हैं। अब हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन की सूरत में अपनी एक अलग दुनिया आ चुकी है। लोग एक छत तले रहने के बावजूद भी एक दूसरे से कोसों दूर और हजारों मील दूर रहने वालों के नज़दीक तर हो गए हैं। इस तरह ये मुआशी सरगर्मियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। इसी तरह मेला मवेशियाँ, चौदहवीं का मेला, खेल तमाशे और दीगर सकाफती त्यौहार और मेले ठेले भी अब पहले जैसी गर्म जोशी और दिलकशी खोते चले आ रहे हैं। मुकाबले की दौड़ और ज़रूरियात ज़िंदगी के लामहदूद फैलाव ने लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया है, जिससे ये सकाफती और मौसमी त्यौहार आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं।
जिनको दोबारा जिंदा करने की अशद जरूरत है। सुबह पाकिस्तान के सिलसिले मिटते नकूश में मौसमी त्यौहार के हवाले से फीचर आपने सुना। रावी उम्मे सलमा, प्रोड्यूसर शबाना अली, पेशकश रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर।